नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दुष्यंत, आप देख रहे हैं DKHD। इस वीडियो में बात करेंगे हम जियो की 4G सिम की, और जैसा कि वीडियो की टाइटल से आप समझ ही गए होंगे कि ये iOS वर्सेस एंड्रॉयड है, जिसमें मेरे पास दोनों ही डिवाइसेस होंगी, जैसे कि एक iOS होगी और एक एंड्रॉयड होगी, और दोनों में डालूंगा मैं अलग अलग जियो सिम और चेक करेंगे दोनों में क्या है 4G की इंटरनेट स्पीड और देखेंगे अपलोड और डाउनलोडिंग स्पीड की कंपेरिजन्स। चलिए देख लेते हैं, हम करेंगे iOS वर्सेस एंड्रॉयड की स्पीड टेस्ट जियो सिम के 4G नेटवर्क पर। और लेफ्ट हैंड पर है मेरा iOS डिवाइस और राइट हैंड पर है मेरा एंड्रॉयड डिवाइस, और iOS डिवाइस में मेरी डली है ऑरेंज सिम और जो एंड्रॉयड डिवाइस है उसमें डली है मेरी ब्लू सिम। चलिए कर लेते हैं स्पीड टेस्ट। अनलॉक कर दिया मैंने अपना आईफोन, ओपन किया और अनलॉक किया मैंने अपना एंड्रॉयड डिवाइस। कर लेते हैं ऐप को ऑन, अब करते हैं टेस्ट स्टार्ट और दोनों में प्रिपेयरिंग हो रही है और एंड्रॉयड का स्पीड टेस्ट स्टार्ट भी हो गया है और ये स्पीड करीबन 4.5 MBPS के लगभग आ रही है जो डाउनलोडिंग स्पीड है, और iOS का डिवाइस भी स्पीड टेस्टिंग स्टार्ट कर चुका है, इसमें भी लगभग 4.5 के करीबन स्पीड डाउनलोडिंग आ रही है, और एंड्रॉयड का जो स्पीड टेस्ट है वो कंप्लीट हो चुका है जिसमें 4.6 MBPS की डाउनलोडिंग स्पीड है और 5.1 MBPS की अपलोडिंग स्पीड है, और वहीं एंड्रॉयड काफ़ी तेज चल रहा है, और जो iOS है उसने भी अपना टेस्ट कंप्लीट कर लिया है और इसमें डाउनलोडिंग स्पीड है 4.03 MBPS और अपलोडिंग स्पीड है 2.1 MBPS। चलिए इसको एक बार फिर से टेस्ट स्टार्ट करते हैं, और ये दोनों ही हो गए टेस्ट स्टार्ट, और फिर से एक बार एंड्रॉयड स्टार्ट कर चुका है पहले से और iOS ने भी अपना स्पीड टेस्ट स्टार्ट किया है। एंड्रॉयड की स्पीड काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ रही है iOS की अपेक्षा, और एंड्रॉयड की स्पीड आई है 8.2 MBPS और वहीं iOS डिवाइस की स्पीड है 9.0 MBPS, और अपलोडिंग स्पीड की टेस्टिंग इस वक्त स्टार्ट हो चुकी है और अपलोडिंग स्पीड टेस्ट हो चुकी है एंड्रॉयड में जो कि 5.5 MBPS है, और वहीं अपलोडिंग स्पीड काफ़ी कम आ रही है iOS डिवाइस में जो कि 2.8 आई है। जैसा कि आपने देखा दोनों ही फ़ोनों में जियो सिम काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क कर रही है, एंड्रॉयड में जो स्पीड आई है और iOS में जो स्पीड आई है वो आप देख ही चुके हैं, और जो डिफरेंस है वो भी आपके सामने आ चुका है। वैसे तो कोई ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है, दोनों ही फ़ोनों में काफ़ी अच्छी तरीके से जियो सिम काम कर रही है। इस वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट्स करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कर दीजिए इसको लाइक, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल इस तरीके के और वीडियो के लिए। मेरा नाम है दुष्यंत, मिलते हैं अगले वीडियो में।